बॉर्न इन कशौली हिमाचल प्रदेश, रस्किन बॉन्ड का जन्म कशौली हिमाचल प्रदेश में हुआ इन 1934। द टाइम कब है? 1934 में, 1934 में। ओके, रस्किन बॉन्ड हैज रिटन हंड्रेड्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। रस्किन बॉन्ड कुल कितने हंड्रेड शॉर्ट स्टोरीज लिख चुके हैं, एसेज निबंध लिखे हैं, नॉवेल्स उपन्यास लिखे हैं, एंड मोर देन 30 बुक्स फॉर चिल्ड्रन। और लगभग मोर देन 30 बुक्स, 30 पुस्तकों से ज्यादा बच्चों के ऊपर कहानियां लिख चुके हैं। अर्थात मोर देन 30 बुक्स ही ऑलरेडी रोट डाउन अबाउट द चिल्ड्रन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, हिज फर्स्ट नॉवेल, उनका पहला नॉवेल द रूम ऑन द रूफ। उनका पहला नॉवेल कौन सा है? द रूम ऑन द रूफ, रिटन व्हेन ही वाज 17। उन्होंने तब लिखा जब उनकी उम्र कब कितनी थी, 17 इयर्स की थी। रिसीव्ड द जॉन लेवलिन रैम्स मेमोरियल प्राइज, और उनको पुरस्कार से नवाजा गया। कौन से पुरस्कार से उनको नवाजा गया था? जॉन लेलियन रैम्स मेमोरियल प्राइज से उनको पुरस्कृत किया गया इन 1957, 1957 में। ओके, ही हैज ऑल्सो पब्लिश 2 वॉल्यूम्स ऑफ ऑटोबायोग्राफी। उन्होंने अपनी रचनाओं को 2 रूपों में प्रकाशित किया, ऑटोबायोग्राफी के रूप में। ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा जिसको कि कहते हैं, और 2 वॉल्यूम्स कौन से हैं? सीन्स फ्रॉम राइटर्स लाइफ, सीन्स फ्रॉम राइटर्स लाइफ, एंड सेकेंड वन इज द लैम्प इज लिट, द लैम्प इज लिट। ओके, दिस इज द 2 वॉल्यूम्स, अ कलेक्शन ऑफ एसेज, और उनके निबंधों का जो संग्रह है, एंड एपिसोड्स फ्रॉम हिज जर्नल, और उनकी पत्रिकाओं के जो एपिसोड्स हैं, खंड हैं उनके बारे में। इन 1992, ही रिसीव्ड द साहित्य एकेडमी अवार्ड। उनको कौन से पुरस्कार से नवाजा गया? साहित्य एकेडमी अवार्ड फॉर इंग्लिश राइटिंग इन इंडिया, इंग्लिश राइटिंग इन इंडिया। उनको साहित्य एकेडमी पुरस्कार से भारतीय अंग्रेजी साहित्य के लिए दिया गया। ही वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री, उनको दूसरा अवार्ड क्या मिला? पद्मश्री का भी अवार्ड मिला इन 1999 में, 1919 में। नेक्स्ट, रस्किन बॉन्ड लिव्स विथ हिज एडॉप्टेड फैमिली। रस्किन बॉन्ड जो है अपनी एडॉप्टेड फैमिली के साथ रहते थे इन मशहूरी उत्तराखंड। प्लेस कहाँ है? मशहूरी उत्तराखंड में रहते थे। ओके, डियर, ये था उनके जीवन की थोड़ी सी बातें जो हम आपको जानना अति आवश्यक था। आइए देखते हैं द चेरी ट्री, जो कि रस्किन बॉन्ड की बहुत ही प्यारी कविता है, इंस्पायरेशनल कविता है, वो हम सबको क्या ज्ञान देती है। आइए थोड़ा सा उसके बारे में प्रकाश डालते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में, द पोएम चेरी ट्री, द पोएम चेरी ट्री, कविता चेरी ट्री इज अबाउट द पोएट्स एक्सटेसी। यह कविता जो है कवि के एक्सटेसी। अब यहां पे डियर, एक्सटेसी मींस होता है क्या? एक प्रकार का लगाव, एक प्रकार का आनंद, यानी कहने का मतलब एक परमानंद। कहने का मतलब जैसे कोई चीज आप देखो, या बच्चा चॉकलेट देखता है तो किस तरह से आनंद विभोर हो जाता है, खुश हो जाता है, हैप्पी हो जाता है। इन द सेम कंडीशन में यहाँ पे भी यही चीज है कि कवि जो है इस चेरी ट्री को जब सीड को शोड करता है, और जब वो एक सैपलिंग बनता है, प्लांट बनता है, ट्री बनता है, तो उसको कितना आनंद की अनुभूति होता है। उस आनंद की अनुभूति को इस कविता में रिप्रेजेंट किया गया है।
ओवर अ ट्री विच ही प्लांटेड, जिसको कि उन्होंने लगाया था, विच टुक 8 years टू ग्रो, जिसको कि बढ़ने में कितना लगा, 8 years, उस ट्री को बढ़ने में 8 years लगे, अर्थात प्लांट को शीड करके प्लांट को एक ट्री बनने में कितना टाइम लगा, 8 years का टाइम पास्ड हो जाता है, और उस 8 years के बाद उनको क्या रिलैक्सेशन, क्या एक्सट्रेसी मिलती है, कवि इस कविता में हम सबको बताने का प्रयास कर रहा है। He is expressing his wonder, उन्होंने अपने आश्चर्य को प्रदर्शित किया, at the ways of nature, प्रकृति के माध्यम से, and how the tree cherry blossoms, और उन्होंने यह भी बतलाया कि किस तरह से चेरी ब्लॉसम करती है, खिलती है, ग्रो करती है, खिलती है, उसमें फूल और कलियां आती हैं, and fragile, अब यहां पे fragile means क्या होता है, ये आपको ध्यान देना है, fragile उसको बोलते हैं जिसमें कि किसी न किसी प्रकार का आनंद की अनुभूति या एक अंकुरण की उत्पत्ति होती है, and quick to fall, मतलब ending time, quick to fall जो है वो completely related to the into in time, ending time से, okay? कि समय खत्म हो जाता है। आपको मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, यहाँ पे एक लाइन आपको स्पेशली माइंड करना होगा, जिसको कि कवि ने लास्ट में रिप्रेजेंट किया है, लास्ट के स्टैंड के सेकेंड स्टैंजा में, pink fragile quick to fall, अब यहां पे दिया गया है quick to fall, आप देख भी रहे हो और fragile भी आप देख रहे हो, और एक और है आपका क्या, pink, ओके, इस लाइन को आप जब पढ़िएगा तो विशेष इस पे गौर करिएगा, pink fragile quick to fall, क्योंकि ये कंप्लीटली कविता का एक बेस बता रहा है, और ये ठीक उसी तरह से रिलेटेड है जिस तरह से सरोजनी नायडू ने इंडियन वेवर्स में कविताओं को थ्री स्टेज में रिप्रेजेंट किया था, बर्थ, युवा, यूथ एंड लास्ट डेथ, यानी व्यक्ति पैदा होता है, व्यक्ति की शादी होती है, युवावस्था में आता है, एंड डेथ, व्यक्ति का एंडिंग समय आता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे शीड, प्लांट और लास्ट में एक ट्री के रूप में आता है और उसका एंडिंग टाइम आता है, किस तरह से कवि ने एक बहुत ही बढ़िया मार्मिक ढंग से, सुंदरतम ढंग से प्रकृति के उस प्रभाव को या प्रकृति के उस समय के चरण को यहाँ पे चेरी ट्री के माध्यम से हम सबके समक्ष बतला रहा है। नेक्स्ट, द ट्री गिव्स हिम इमेंस, कविता जो है, अर्थात कविता का मतलब वो पेड़, चेरी ट्री जो है वो कवि को क्या देता है, इमेंस जॉय, एक असीम, एक अति, एक परमानंद आनंद को बतलाता है, as he can see the star, जिसमें कि वह उस वृक्ष की नीचे बैठ करके उसकी छांव में वह तारों को देखता है, और उन वृक्ष की डालियों के मध्य से, पत्तियों के मध्य से वह नीले आसमान को देखता है, जो कि dappled green trees, जो कि क्या कर रहे थे, dappled, बहुत ही डॉटेड दिख रहे थे, कहने का मतलब यहाँ पे है कि आप पेड़ के नीचे बैठिए और पेड़ की छांव के नीचे से ऊपर के आसमान, नीले आसमान को आप देखिए तो आपको तमाम डॉट्स नजर आते हैं। ठीक उसी तरह से कवि चेरी ट्री के नीचे बैठा हुआ है और उस नीले आसमान को देखता है, और देखने के बाद जहां पे कवि को एक परमानंद की अनुभूति होती है। ओके डियर, तो प्रस्तुत कविता में कवि हमको स्पेशली चेरी ट्री के सीड से लेकर के एक ट्री बनने तक की कहानी को रिप्रेजेंट करता है, और उस ट्री को कितने प्रॉब्लम्स को सफर करना पड़ा वह भी इस कविता में अभिव्यक्त किया गया है, और इस कविता से हम सबको एक सीख लेनी चाहिए कि जीवन, व्यक्ति को जीना है और उस जीवन जीने की कला को सीखना है, और उस जीवन में व्यक्ति के समक्ष बहुत सारी दुख, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याएं उद्गृत होती हैं, और किस तरह से हमें उस प्रॉब्लम से निपटना है और उसको सॉल्व करते हुए, उस समस्या को हटाते हुए अपने लाइफ को सरल और सुगम बनाना है।
तो चेरी ट्री एक इंस्पायरेशनल कविता है जो कि प्रत्येक मानव को जीवन जीने की एक कला सिखाती है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में हम चेरी ट्री की कविता को। ओके, साल बीत चुके हैं। सिंस आई प्लेस्ड माई चेरी सीड इन द ग्रास, फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन में चेरी के सीड को जमीन में बोए हुए कवि को 8 साल बीत चुके हैं, अर्थात 8 साल पहले की घटना को कवि यहाँ पे हम सबको बता रहा है कि 8 साल पहले रस्किन बॉन्ड ने एक चेरी के सीड को जमीन में बो दिया है। मस्ट हैव, नेक्स्ट, मस्ट हैव अ ट्री ऑफ माई ओन, आई शेड। आई कौन? रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि मस्ट हैव अ ट्री ऑफ माई ओन, मेरे द्वारा उगाया गया या मेरे द्वारा शैपलिंग किया गया यह सीड अवश्य ही एक पेड़ बन चुका होगा, अर्थात वह पेड़ बन के रूप में आ गया है। जो एक सीड था आज वो क्या हो गया है, एक पेड़ बन गया है। एंड वॉटर्ड इट वंस एंड वेंट टू बेड, और नेक्स्ट लाइन में कवि कहता है एंड वॉटर्ड इट वंस, और मैंने केवल एक बार इसमें पानी डाला, एंड वेंट टू बेड, अब वेंट टू बेड का मतलब फॉरगेट दैट, और उसके बाद मैं भूल गया, अर्थात मैं कंप्लीटली उसकी केयरिंग करना भूल गया, मैं उसको केयर नहीं किया। नेक्स्ट, एंड फॉरगॉट, जैसा कि मैंने बताया, और कंप्लीटली वर्ड जो है चेरी ट्री के सीड को जमीन में शो करने के बाद वो कंप्लीटली एक बार वाटर गया और फिर भूल गया। नेक्स्ट, बट चेरीज हैव अ वे ऑफ ग्रोइंग, लेकिन चेरी ट्री जो है वह अपने उस ग्रोइंग में, अर्थात वो अपना कार्य नहीं भूली। कौन? चेरी ट्री। चेरी ट्री विकास के पथ पर अग्रसर होती गई, अर्थात चेरी ट्री बढ़ती चली गई। ओके, नेक्स्ट यहां पे बताया जा रहा है फिगर ऑफ स्पीच में, आप थोड़ा सा देख लीजिए कि फिगर ऑफ स्पीच में यहां पे बताया गया है लास्ट के सेकेंड थर्ड लाइन में और फोर्थ लाइन में, देखिए तो स्पेशली फोर्थ में यहाँ पे देखिए अगेन एंड अगेन आपको मिलेगा, जैसे कि एक वाटर्ड है और वेंट है, तो यहाँ पे आप पूरे को देखिए एंड वाटर एंड वेंट। ओके, तो यहाँ पे आपको एलिट्रेशन और एंटीथेसिस दो फिगर ऑफ स्पीच रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आप अगली लाइन में देखिए एक्सप्लेनेशन की तरफ, दो, अब यहां पे क्या बताया जा रहा है, दो नो वंस केयरिंग वेरी मच और नोइंग, अर्थात कोई भी व्यक्ति नहीं था जो चेरी ट्री को स्पेशली केयर करे, ध्यान दे, मच और नोइंग, और ना ही कोई भी व्यक्ति चेरी ट्री के बारे में के ज्ञान में था, अर्थात नो वन नो अबाउट द चेरी ट्री। नेक्स्ट, एंड सडनली दैट समर, एंड सडनली दैट समर नियर द एंड ऑफ मई, और अचानक क्या होता है कि गर्मी के मौसम पास आते ही मई के अंत में, अर्थात मई मंथ के अंत में मैंने क्या देखा, आई फाउंड ए ट्री हैड कम टू स्टे, मैंने देखा कि एक पेड़ जो है वो बाहर आया हुआ है, अर्थात एक पौधा जो है वो उग आया हुआ है, जिस सीड को मैंने सैंपलिंग शोड किया था उसमें से एक अंकुरण बाहर आया हुआ है। इट वॉज वेरी स्मॉल 5 मंथ्स चाइल्ड, कैसा है, इट वॉज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा सा पौधा है वो, 5 मंथ्स चाइल्ड, 5 महीने के बच्चे की तरह। अब यहां पे डियर फिगर ऑफ स्पीच आप देखिए, तो यहां पे फिगर ऑफ स्पीच पर्सनिफिकेशन है, इस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच पर्सनिफिकेशन है जो कि मानवीकरण को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके,
क्योंकि यहाँ पे 5 months चाइल्ड एक लिविंग थिंग्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है. ओके, लॉस्ट इन द टॉल ग्रास रनिंग वाइल्ड. अब यहाँ पे क्या है, लॉस्ट जो कि खो चुका है इन द टॉल ग्रास, बड़ी बड़ी घासों में, रनिंग वाइल्ड जंगली घासों में, अर्थात वो ट्री चेरी ट्री के चारों तरफ बहुत ढेर सारे जंगली घास उगाए हुए हैं और उन घासों में वह चेरी ट्री जो है कंप्लीटली दब गया है. ओके, गोट्स एट द लीव्स एंड द ग्रास कटर्स साइड. अब यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आता है इस लाइन में कि जो कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि प्रॉब्लम्स. अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम चेरी ट्री के लिए क्रिएट होता है. वो चेरी ट्री के लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है, कभी देखता है कि गोट्स एट द लीव्स, बकरी आती है कहीं से और वो चेरी के सारे पत्ते को खा जाती है. द ग्रास कटर से, और इसके बाद क्या होता है कि दूसरी उसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, अर्थात किसके साथ, चेरी ट्री के साथ, कि घसियारी आती है घास काटने वाली और वो हसिये से, शायद मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि घास को काटा जाता है, उस घास ग्रास कटर से वह घसियारी क्या करती है, उस पौधे को घास के साथ काट देती है. यहाँ पे जानबूझ के नहीं काटा गया है, बस घास बड़े बड़े थे, उस घास के साथ वह पौधा भी कट जाता है. तो दिस इज द प्रॉब्लम विच द चेरी ट्री फेस्ड इन द लाइफ. ओके, स्प्लिट इट अपार्ट एंड मानसून ब्लाइट. अब यहाँ पे स्प्लिट इट, स्प्लिट मतलब होता है कि टुकड़े में बांट देना, दो भागों में बढ़ जाना, एंड द मानसून ब्लाइट. और तीसरी समस्या यहाँ पे क्या होती है, मानसून ब्लाइट. अब मानसून ब्लाइट का मतलब क्या होता है कि मानसून में बदलाव आता है, सूखा पड़ जाता है, एकदम दोपहर का मतलब गर्मी का एक अपर लेवल आ जाता है और वहां पे उस चरम सीमा के माध्यम से यहाँ पे मानसून क्या करता है, ब्लाइट करता है, एक प्रकार से उस पौधे को डैमेज, क्षति पहुंचाता है, जैसे कि यहाँ पे मीनिंग दिया गया है आप नोट कर लीजिएगा, क्षति पहुंचाता है. श्रीवर्ल्ड द स्लेंडर स्टेम इवन शू. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, श्रीवर्ल्ड, श्रीवर्ल्ड मतलब पूरा का पूरा पौधा जो है वो चेरी ट्री ड्राइड अप हो जाती है, सूख जाती है, स्टेम इवन शू, और कंप्लीटली एक प्रकार से देखा जाए तो कभी पूर्ण रूपेण डिसअपॉइंटेड हो जाता है कि अब यह पौधा सूख चुका है या सूख जाएगा. किसी भी प्रकार का, किसी भी तरीके से, कहीं से भी ऐसा एक पॉइंट नहीं नजर आ रहा है कि जिसमें ये पता चले कि इस पौधे के अंदर जान है. ओके, अब आप देखिए यहां पे इसके पॉइंट्स के बारे में, इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, इन सारे पॉइंट्स को मैं आपको डिक्टेट करूंगा, एक एक पॉइंट को एक अलग वीडियो में बनाऊंगा जिसमें कि मैं कंप्लीटली इन सारे वर्कशॉप को, आइस ब्रेकर्स को और ब्रेन स्टॉर्मिंग को मैं क्रिएट करूंगा. ओके, तो इन सारे पॉइंट्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबके समक्ष लाऊंगा. इस वीडियो में चलिए केवल हम पोएम के बारे में देखते हैं. ओके, नेक्स्ट स्प्रिंग. ओके, अगला मतलब ये 1 ईयर का टाइम पास्ट हो जाता है, समय बीत जाता है, जब अगली बार वसंत ऋतु आती है, स्प्रिंग सीजन आता है. आई वॉच्ड, मैंने देखा कि 3 new shoots ग्रो. उसकी जो एक टहनी थी, उस एक टहनी में 3 शाखाएं निकली हुई हैं. अर्थात कहने का मतलब, चेरी ट्री इन तीनों समस्याओं से लड़ता हुआ, अपनी लाइफ को शेप करता हुआ, फिर से वो अगले सीजन में ग्रो कर जाता है. आगे, द यंग ट्री स्ट्रगल. यंग ट्री जो है वह नवयुवक ट्री जो है वह संघर्ष करता है अपवर्ड थ्रस्ट, और वह ऊपर की तरफ एक फोर्सफुली ढंग से ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है. जैसे कि थ्रस्ट का मीनिंग यहाँ पे दिया गया है, क्या है, पुश विथ फोर्स, यानी एक तेजी के साथ, यानी ऊर्जा के साथ आगे की तरफ बढ़ता है. इट ऑर्म्स इन अ फ्रेश फर्स्ट लस्ट. इट ऑर्म्स, और यह
एक एग्रेसिव ढंग से, फर्स्ट क्लास मतलब एक एग्रेसिव ढंग से क्या हो रहा है कि एक एग्रेसिव वे में एक प्रेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि उत्सुकता पूर्वक अपनी बाहों में सब कुछ भरने को या समेटने को तैयार हो। ओके, अब यहां पे आप देखिए फिगर ऑफ स्पीच आपके इस लाइन में है, यहां पे जैसे दिया गया है इस वाले लाइन में देखिए श्रिवल्ड स्लेंडर स्टेम सो, तो यहां एस एंड एस का अगेन एंड अगेन रिपीटेशन हुआ है, उच्चारण आया है, तो ये एलिट्रेशन है यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच। और नेक्स्ट यहाँ पे अगली कड़ी में देखिए अगली लाइन में जो दिया गया है ये अपवर्ड स्ट्रगल, द यंग ट्री स्ट्रगल अपवर्ड थ्रस्ट, तो यहाँ पे जो बताया गया है पर्सनिफिकेशन का भाव आ रहा है। और नीचे की लाइन में भी आपको लस्ट से रिलेटेड पर्सनिफिकेशन का भाव आ रहा है। ओके, एयर एंड सन, प्रकाश हवा और धूप, इन सब को की थपेड़ों को सहते हुए आई कुड ओनली वेट एज वन, मैं ही केवल अकेला इंतजार कर रहा था, हुआस्ट जिसकी की देखरेख कर रहा था, वॉन्डरिंग इधर उधर घूम रहा था, वाइल टाइम एंड द रेन जबकि समय और बरसात अपना अपना प्रभाव उस पेड़ के ऊपर डाल रहे थे। अब ऑलरेडी यहाँ पे फिर से अगर आप देखें तो फिगर ऑफ स्पीच में देखिए वॉच वॉन्डरिंग वाइल्ड, इनमें डब्ल्यू का अगेन एंड अगेन उच्चारण हुआ है, हु में भी है। ओके, तो यहाँ पे भी आपका अगेन एंड अगेन उच्चारण होने से एलिट्रेशन का भाव आ रहा है। ओके, मेड ए मिरेकल फ्रॉम ग्रीन ग्रोइंग पेन, अर्थात मेड ए मिरेकल, अर्थात ये तीनों चीजें कौन, टाइम और रेन और नेचर, हवा प्रकाश धूप, ये सब मिल करके एक चमत्कार करते हैं, एक मिरेकल करते हैं, और वह ट्री जो है सैपलिंग जो है वो एक ट्री के रूप में ग्रो हो जाता है। आगे नेक्स्ट यहाँ पे इंसिडेंट कवि बता रहा है क्या होता है, आई वेंट अवे नेक्स्ट ईयर, अगले साल छुट्टियां मनाने के लिए मैं कश्मीर निकल गया, कहाँ चला जाता है क्वेट, कश्मीर चला जाता अपने घर, क्योंकि वो दादा के साथ कहीं बाहर रहता है, मशहूरी में रह रहा है, वो अब कश्मीर अपने घर चले जाते हैं, स्पेंड अ सीजन इन कश्मीर, और वो कश्मीर में अपने उस मौसम का आनंद उठाते हैं और वहां पे वो एंजॉय करते हैं और अपने पेरेंट्स के खेती बाड़ी में और अन्य कार्य में सहयोग करते हैं। यहाँ पे पोएट जो है एक कोऑपरेटिव पर्सन है, सहयोगी व्यक्ति है, जो कि यहाँ पे दादा के साथ भी कोऑपरेट कर रहा है और समय मिलने पर अपने पेरेंट्स को भी कोऑपरेट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, केम बैक थिनर रादर पुअर, कवि जो है अब छुट्टियां मनाने के बाद कश्मीर से वापस फिर से मशहूरी आता है, वापस आता है, केम बैक थिनर रादर पुअर, वह कमजोर हो गया है, अर्थात ड्यू टू द वीकनेस, ड्यू टू द इलनेस, बीमारी की वजह से कवि जो है वो कमजोर हो गया है और असहाय हो गया है, बट मतलब अपने आप को नर्वस पाता है, ओके फिजिकली, लेकिन उसके अंदर एक उत्तेजना जागृत होती है, कब, बट रिचर बाई अ ट्री एट माई डोर, जब वह अपने उस सीड को देखता है, जिस सीड को, चेरी सीड को वो जमीन पे बोया हुआ था, उस पेड़ को देख करके, उस वृक्ष को देख करके वह अपने आप को धनवान पाता है, अर्थात बहुत हैप्पी पाते हैं। ओके, नेक्स्ट, सिक्स फीट हाई माई ओन डार्क चेरी, और मेरा घना चेरी पेड़ जो है, ट्री जो है वो लगभग 6 फीट ऊंचा हो जाता है, अर्थात उसकी ग्रोथ जो है वो हाइट वो 6 फीट की अप में ग्रो कर जाती है। ओके, एंड आई कुड स्कार्सली बिलीव इट अ बेरी, और मुझे थोड़ा सा किस रूप में, एक बड़ी मुश्किल से, यानी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही पेड़ है जिस पेड़ को मैंने, जिस छोटे से बीज को मैंने बोया था, आज वही बीज एक पेड़ के रूप में बन गया है,
बेरी का ट्री एक चेरी ट्री बन गया है, यह मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। अर्थात कवि को इस बात पे एक मुश्किल से विश्वास होता है। ओके, नेक्स्ट, रैपेन एंजल इन द सन, सूरज के प्रकाश में हवाओं की झोंकों को सहते हुए रैपेन, अब उसमें फ्रूट्स आ गए हैं, फल आ गए हैं एंजल, जो कि सुनहले कलर में मोतियों के रंग में या रत्नों की तरह चमकते हुए नजर आ रहे हैं सूर्य के प्रकाश में। हंग फ्रॉम ए ब्रांच जस्ट वन, और कवि देखता है कि एक शाखा में, कहां पे, एक शाखा में उसको चेरी का फ्रूट नजर आता है। एंड नेक्स्ट ईयर देयर वेयर ब्लॉसम्स स्मॉल, और अगले वर्षों तक वो देखता है कि उसमें छोटे छोटे फल लटक रहे होते हैं, ब्लॉसम हो जाते हैं, अर्थात उसमें फूल खिलते हैं और उनमें फल नजर आता है। आगे क्या होता है, और फल को देखने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में बता रहा है, पिंक फ्रेजाइल क्विक टू फॉल, पिंक यहाँ पे ब्लूम से है, फ्लावर का टाइमिंग है, फूल उसमें आते हैं, फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया एक दुर्बल या कमजोर या तरीका का होता है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है स्पेशली कि एक अंकुरण सा होता है, क्विक टू फॉल, फूल आता है, फल आता है और फिर वो फल पक करके गिर जाता है, अर्थात यह एंडिंग टाइम आ जाता है। ओके, एट द मैरेस्ट द स्लीपीएस्ट ब्रीज, अब वहां पे बताया जा रहा है कि उस फल के ऊपर, उन फूलों के ऊपर जो है एक आनंददायी ढंग से, मैरेस्ट मतलब प्रसन्नता को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि क्या देख रहा है कि एकदम प्रसन्न है कि उसके अंदर स्लीपीएस्ट ब्रीज, अब यहाँ पे स्लीपीएस्ट ब्रीज का मतलब ये बताया जा रहा है कि सुगंधित हवाएं बह रही हैं जो कि उस फल को अपने प्रभाव से प्रभावित कर रही हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में कवि क्या कहता है, आइए देखते हैं। आई ले ऑन द ग्रास, कवि जो है चेरी ट्री के पेड़ के नीचे घास पे लेटा हुआ है, लुकिंग अप थ्रू लीव्स एट द ब्लू, और वो पत्तियों के मध्य से नीले आसमान को देखता है, ब्लाइंड स्काई, उस नीले आसमान को जो कि समय ढल चुका है, रात होने को आई है और धुंधला वह आसमान दिख रहा है। एट द फिंचेस एज द फ्लू, और वहां पे वो क्या देखता है कवि, कि छोटी प्रजाति की चिड़िया, छोटे छोटे पक्षी जो हैं वो उस पेड़ के ऊपर चहचहा रहे हैं, बैठ रहे हैं, उड़ रहे हैं और आ जा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आगे की कड़ी में क्या बताया जा रहा है, एंड फ्लिटेड थ्रू द डैपल्ड ग्रीन, एंड फ्लिटेड थ्रू द डैपल्ड ग्रीन, अब यहाँ पे डैपल्ड का मतलब हैविंग डार्क और लाइट पैचेस, लगभग वहां पे धुंधला अंधेरा सा छाया हुआ है, अर्थात एक प्रकार से चमक जो है वो धुंधली पड़ती जा रही है, क्यों, क्योंकि समय बीत गया है और आकाश जो है वो डैपल्ड दिख रहा है, यानी एक लाइट, डार्क लाइट वहां पे नजर आ रहा है, ब्लिंकिंग कर रहा है। ओके, व्हाइल बीज इन एन एक्सटेसी ड्रैंक, और कवि देखता है उन पत्तियों के अंदर से फूलों के ऊपर मधुमक्खियां जो हैं वो बैठी हुई हैं, मंडरा रही हैं और फूलों के रस को, एक्सटेसी को, अर्थात एक फीलिंग ऑफ ग्रेट जॉय, उस आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। ऑफ नेक्टर, ऑफ नेक्टर, नेक्टर मीन्स होता है स्वीट लिक्विड प्रोड्यूस्ड बाय फ्लावर, यानी फूलों के अंदर जो मधुरतम
मीठा लिक्विड होता है अर्थात जिसको कि हम कह सकते हैं शहद को शक कर रही है फ्रॉम ईच ब्लूम प्रत्येक कलियों से एंड द सन साइन और सूर्य जो है वह ढलता हुआ नजर आ रहा है अर्थात धीरे धीरे सूर्य अस्त हो रहे हैं स्विफ्टली तेजी से क्या होता है स्विफ्टली तेजी से एंड द स्टार्स टर्न्स इन द स्काई और धीरे धीरे देखते ही देखते कवि के क्या होता है रात हो जाती है और आसमान में तारे टिमटिमाने लगते हैं ओके एंड मून मॉथ्स एंड मून मॉथ्स अब यहाँ पे मून मॉथ्स को क्या बताया जा रहा है मून मतलब एक चांदनी रात है और रात के समय जो है पतंगा ऊपर मडरा रहे हैं यानी पतंगे भन बना रहे हैं एंड सिंगिंग क्रिकेट्स और वहां पे क्रिकेट मतलब काकरोच की या एक तिलचट्टा जिसको बोलते हैं उस इंसेक्ट्स के बोलने की आवाज आ रही है एंड आई यस आई और हाँ मैं ओके क्या प्रेज नाइट उस रात की प्रशंसा करता हूं एंड स्टार्स तारों की एंड ट्री और वृक्षों की अर्थात देयर आर सो मेनी ट्रीज मैं उन सभी पेड़ों की प्रशंसा करता हूं उस रात की मैं प्रशंसा करता हूं बट उन सभी पेड़ों में मुझे चेरी ट्री बहुत अत्यधिक प्रिय लग रहा है कवि यहां पे दादाजी से पूछता है कि यहां पे बहुत सारे पेड़ हैं चेरी के या बहुत सारे वृक्ष हैं तमाम प्रकार के पर उनमें मुझे सबसे बढ़िया या चेरी का पेड़ क्यों अच्छा लग रहा है तो दादाजी बहुत ही खूबसूरत ढंग से जवाब देते हैं क्योंकि दैट स्मॉल उस छोटे से वृक्ष को अर्थात चेरी के पेड़ को ग्रोन बाय मी वो आपके द्वारा उगाया गया है इसलिए वह चेरी का ट्री आपको बहुत प्रिय नजर आ रहा है अर्थात बहुत प्रिय लग रहा है तो यहाँ पे इस लाइन में कवि हम सबको यह बतलाना चाहता है कि व्यक्ति जब मेहनत से यानी परिश्रम से किसी चीज की प्राप्ति करता है तो उस चीज की प्राप्ति करने के पश्चात उसको एक अटूट सा आनंद की अनुभूति होती है कहने का मतलब यदि कोई व्यक्ति आपको कुछ दे दे तो उस चीज में उतना आनंद नहीं होता है जब आप खुद उस चीज को मेहनत से परिश्रम से स्ट्रगल से प्राप्त करते हो तो उसका एक परम आनंद ही की अनुभूति होती है ओके डियर आशा करते हैं यह पोएम आपको परफेक्टली समझ में आया होगा यदि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो को अगेन एंड अगेन देखिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए थैंक यू